बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने जाना है शादी पे और उसके लिए आज डेंटिंग पेंटिंग भी करवाएंगे और कुछ जो है वो आज अपने दाढ़ी वगैरह और कटिंग शटिंग भी करवानी है, तैयार भी होना है। नाश्ता वगैरह हो चुका हुआ है, नाश्ता करके अब मैं सबसे पहला काम जो है वो यही करूँगा ताकि टाइम पर तैयार हो जाए और टाइम पर हम आज का इवेंट इंजॉय करें। सो स्टे ट्यून्ड, साथ रहिएगा, आज आपको अपना ये जो इवेंट है वो एंजॉय कराएं। सो फ्रेंड्स, फाइनली कटिंग हो चुकी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वो आपका भाई अच्छा लग रहा होगा। सो काम की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, कहाँ तक पहुँचा है और इसके बाद के क्या प्लान्स हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। दीवारें काफ़ी ऊंची हो चुकी हैं, ये देखिए कुछ ईंटें यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ ईंटें इस रूम में फेंक दी गई हैं और कल रात को ही ये आ गई थी दरवाज़ों के लिए, चौखाट वगैरह कुछ वो पड़ी हुई है। अभी ये रूम जो है ये इसकी दीवार, यहाँ पे दीवार बनानी है और इस दीवार को इस दीवार के साथ यूँ ऊपर लेके जाएंगे और कनेक्ट करेंगे। ये वाला रूम और वो पीछे रूम जो है वो स्टोर बन जाएगा। ये एक रूम ये और एक ये रूम, ये हॉल सा छोटा सा जो बनेगा, और फ्रंट जो है वो सारा खाली रहेगा। तो ये सीन होगा। तो जैसे जैसे मतलब मज़ीद कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, आगे काम बढ़ेगा, आपको भी अपडेट करते रहेंगे। काम के हवाले से आपको बताता चलूं कि मटेरियल इस वक्त इस कदर महंगा हो चुका है। 13,000 रुपये की हमें ईंट मिलती है, 1,000 ईंट 13,000 रुपये में, और फिर सो ऑन आगे बढ़ते जाएँ तो अगर अच्छी ईंट चाहिए तो वो फिर उसके और भी पैसे ज़्यादा होंगे। नॉर्मली जो कुछ बेहतर ईंट है वो 13,000 की रेंज में आपको मिलेगी। तो सीमेंट भी इसी तरह 650, इसलिए लगभग सरिया भी बहुत महंगा हुआ है। तो इस दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये ईंट जो है ये हमें 13,000 रुपये में पड़ रही है। इसी तरह फिर रेत का भी एस्टीमेट है और सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा बनेगा। तो फिर जितना भी एस्टीमेट, जितना भी ख़र्चा बना हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे भी। ये तकरीबन 3.5 या 4 मरले तक ये जो है वो बन रहा है, क्योंकि हमारा घर जो है वो 6.5 मरले में है। तो उसमें जो है ये फिर कंस्ट्रक्शन का तकरीबन एक अगला जो हिस्सा है, दो हिस्से आगे जो हैं वो छोड़ दी गए, नीचे कार जो पार्किंग वाली जगह वो, और ये जो ऊपर छत पे आप ये जगह देख रहे हैं ये जगह छोड़ दी गई। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं शादी पे। आप लोग देख रहे होंगे कि ये शादी कैसी है, कितनी खामोशी है और कितनी रौनक वगैरह नहीं है। तो ये स्टोरी जो है वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या स्टोरी है, रौनक क्यों नहीं है और ये शादी वैसी क्यों नहीं हो रही। तो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी लेडीज़ जो हैं वो गई हैं उस साइड पर मेहंदी लेने के लिए, तो वो मेहंदी लेकर आएँगी और फिर जो है उसके बाद हम लोग बैठ के आपको इस सारी शादी के बारे में बताएँगे। We'll be right back.
थी आज की मेहंदी, और ये मेहंदी थी मेरे दोस्त है उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर की मेहंदी थी। तो लड़की की मेहंदी में आपको पता है आज लड़के जो हैं वो बोर ही होते रहते कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो अभी फ़िलहाल वक्त हो गया खाने का, बुलाया गया खाने के लिए, तो चलते हैं खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे और फिर हलीम के साथ चावल दिए गए हैं और बेहतरीन किस्म की हलीम बनी हुई है और उबले चावल हैं। इसका भी सीन बताऊंगा कि ये क्यों दिए गए हैं और मेहंदी पे हलीम चावल ही क्यों, बाकी भी डिशेस थी, चिकन देते हैं कोई खाना, मतलब अजीब अजीब, लेकिन ये हलीम चावल क्यों दिए गए हैं ये भी आपको आगे जाके बताते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस अब वक्त आ गया आपको बताने का कि हलीम मेहंदी पे क्यों दी गई है। तो इसका पहला रीज़न ये है कि इनकी फैमिली में ये शुरू से रिवायत चलती भी आ रही है कि मेहंदी पे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसने मेहंदी पे जब ये लड़की होगी या लड़का होगा उसने मेहंदी पे हलीम और अबले चावल जो है वो मेहमानों को सर्व करने हैं। और दूसरी बात ये कि शादी एक खुशी का मौका है, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कोई गरीब है या अमीर है, दिलों को जोड़ें और खुशियां बांटें। ये मत देखें कि कोई गरीब है उसकी शादी पे हम लोग बड़े नखरे चखरे करते हैं, और अगर कोई अमीर है तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर बड़े ज़रा वेल डिसेंट बन के जाते हैं, हालांकि वैसे होते नहीं हैं। तो सब के लिए बराबर होना चाहिए ये, और खुशी सबके लिए, सब की खुशी में शामिल हो जाए चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। सो ऑडियंस, ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तुम भाई को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सादा सा व्लॉग है और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिन भाइयों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मॉर्निंग के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।